आज भोपाल की टंकी पर मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है, जिस पे तहसीलदार नजीराबाद का TI और पटवारी बेरेशिया तहसील नजीराबाद थाना मेरे पास मेरी माता रानी 70 सालों से उस ज़मीन पे बनी है, उनके एक बेटी दो बेटा ख़त्म हो चुके हैं, मगर गांव के जो दमंग लोग हैं वो अभी तक मेरे परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें भोपाल कलेक्टर, SP, तहसीलदार, SDM कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सबके मेरे पास कागज हैं। उसके बाद भी मैं निराश हूँ, मेरी गेहूं की फसल रुकवा दी गई है, मेरी खुद की ज़मीन है उस पर कोई मामला नहीं चल रहा है। मेरे भाई के ऊपर पहले आग लगा दी गई 4 साल पहले, गया सरपंच देवा गौर, बाबूलाल गौर, मोतीलाल गौर, राधेश्याम गौर, ये गांव के दमंग लोग थाने को खरीद लिया, तहसील मैडम, तहसीलदार जो मैडम है उसको खरीद लिया है। जय हिंद, जय भारत। भोपाल की साकत टंकी जो है पुरानी जेल के पास, जय हिंद। अशोक, नींद खुल गई हो तो उठ जाओ, अगर तहसीलदार साहब बात कर रहे हैं तो बात कर लो। फोन डाली, फोन नंबर मिला उनका, बात कर रहे हैं फोन पे, फोन पे बात कर रहे हैं। अरे यार, SDM साहब बोलते तो उस जमीन को तो आप ही जोत रहे हैं ना, अगर किसी ने हटाया होता तब तो आप बोलो कि साहब हमें, हम जमीन से हटा दिया, फसल नहीं काटने दे रहा है, वैसा भी होता तो वो भी आप बोलते। तो ये अरे कौन सी किसी ने नहीं भेजा, कौन सी मैडम ने भेज दिया था? अरे नहीं नहीं ना, ऐसे किसी के बारे तो आप ये बताओ क्यों घसीटेंगे। अच्छा ये बताओ क्यों घसीटा था, कारण बताओ क्यों घसीटा। अरे तो नहीं नहीं, जब तुमने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कार्रवाई रुकवा दी थी, उन्होंने कहा ठीक है आप काट लो अपना ले लो। जब ये बात हो गई तो अब अनावश्यक किसी बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमारा ये कहना है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, गलत बात है। पुलिस वाले क्यों करेंगे भाई, हम और पुलिस वाले आपके लिए तो खड़े हैं, देखो कितने लोग खड़े हैं, सब खड़े हैं ना, पुलिस वाले आपके विरोध में है ना, हम विरोध में हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ भाई, हमारा ये कहना है कि मम्मी बेहोश पड़ी रही, आपने अस्पताल नजीराबाद में, ठीक है बैठो आराम से, हम भी धोनी जमा के बैठ रहे हैं ना। ये तहसीलदार साहब आए, बात कर लो। जी बैठा, जी जी बात कर रहा है। अरे भाई इतना तो तुम तो आओ कम से कम मेरे पास, और तुम नीचे आके बात तो करो, और कम से कम कोई बात है तो आपको पहले जो है हमें बताना तो था कि साहब नहीं हम तो ये करेंगे, साहब टंकी पर चढ़ेंगे। और रही फसल की बात, फसल तुमने काट ली है ना, अब तो तुम्हें कोई परेशानी है नहीं, फसल काट ली है आपने, अब चाहते क्या हो ये बताओ ना। अरे भाई परेशान हो गए तो आपने बताया, हमें बताया आके कि साहब हमें वो ऐसा कर रहे हैं, TI साहब को बताया थाने में जा कर के? नहीं बताया ना। मेरा ये कहना है अशोक, एक कोई समाधान का रास्ता नहीं है, जैसा मतलब ये तरीका ठीक है क्या, आप बताओ। अच्छा पूरा इतना अरे कब बोला, कोई नहीं बोल रहा है, तुम्हारी जमीन को क्यों बोलेंगे, अगर तुम्हारी जमीन है तुम्हारे पास रहेगी। अरे
अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, फसल जमीन तुम्हारी है, तुमने बोई है, तुमने काट ली है, अब समस्या कहाँ है मुझे ये बताओ ना कि नहीं साहब अब ये समस्या है, इस कारण से हम टंकी पर चढ़ गए। रही बात अगर कोई धमकाता है चमकाता है तो हम लोग पूरा सिस्टम है, आप मुझे बता दो, TI साहब को बता दो, वहाँ CSP साहब SDOP साहब बैठते उन्हें बता दो, SDM साहब को बता दो, सबको बताना चाहिए आपको। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, आपने एक बार मेरे पास आए थे तो मैंने आपको नायब तहसीलदार के पास भेजा, अगर आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था तो आपको दोबारा आना था मेरे पास कि साहब ये समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा तो अब इसका निराकरण कराओ, तो हम लोग जो बाद में भी तो कराएंगे ना आपकी समस्या का, जैसा हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी समस्या आएगी तो जरूर कराएंगे निराकरण। कहना ये है मेरी जो बात हुई है कि उसकी जमीन है और जमीन पर कल फसल काट ली है, उसमें फसल ले जा रहा था तो कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं, ले जाने नहीं पाएंगे, इस कारण से वो शंका में है कि कुछ लोग परेशान करेंगे। हमने उसे समझाया कि उसकी FIR आप करा दो, तो कई बार मान जाता है, उसके बाद फिर उतरने को फिर मना कर देता है। तो उसका कहना है कि थाने से लेकर आपके यहाँ भी गया और उसके बाद कलेक्टर जन सुनवाई में 3 मार्च को भी आवेदन दिया, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। अब थाने में यदि चाहता तो आवेदन दे के FIR कराता, कराना भी चाहिए था अगर कोई उसे परेशान कर रहा था। रही बात मेरे यहाँ की, चूंकि इनका जिस जमीन पर कब्जा है वो 2.5 एकड़ एक की है, 2.5 एकड़ एक की है, तो 2.5 एकड़ इनकी है, ये चाहते हैं कि उसकी 2.5 एकड़ की फसल ये भी काटें, परंतु उस पर विवाद था, इस कारण से SDM महोदय ने 2.5 एकड़ की फसल को हमारे नायब तहसीलदार की अभिरक्षा में दे दिया था कि विवाद ना बढ़े, और इसके बाद इन्हें 2.5 एकड़ काटने के लिए स्वतंत्र किया था, परंतु इनकी शंका ये है कि जिसकी 2.5 एकड़ की फसल अभिरक्षा में दी गई है विवाद ना हो उसकी, वो इन्हें परेशान ना के बारे में मशक्कत को डाल लिया गया है। काफ़ी मशक्कत लगी इसमें है? और सबका अच्छा सहयोग रहा, अपनी रेस्क्यू टीम और विशेष तौर से SDM नवीन सर का है? और काफ़ी मशक्कत कराई इन्हें। इनको क्या आश्वासन दिया गया है? इनका काम कराया जाएगा, जो इनकी मांग थी उनका आश्वासन दिया गया है, काम कराया जाएगा।